उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पंजीकृत शाजापुर द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा जिलाधिकारी शाजापुर को 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों की शीर्ष संस्था इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन के आह्वान पर उससे संबद्ध पत्रकार एवं प्रतिनिधि संगठनों के साथ पूरे राज्य में कार्यरत पत्रकारों द्वारा आज प्रोटेस्ट डे मनाया जा रहा है। महात्मा गांधी की जयंती पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन पंजीकृत के बैनर तले अपनी मांगों को मनवाने के लिए एकत्रित हुए। देश भर के पत्रकार जो इस समय भयंकर बीमारी कोरोना महामारी के दौरान एक योद्धा की भांति जोखिम उठाकर कार्य करते रहे, ऐसे में पत्रकारों ने सकारात्मक परीक्षण कराया और इसमें कोरोना से संक्रमित होकर 130 से अधिक पत्रकारों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन इसके बावजूद पत्रकारों ने फ्रंट लाइन की रिपोर्ट की और अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी निभाते हुए जनता को प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध कराई। प्रदेशी आह्वान पर आज जिले के श्रमजीवी पत्रकार यूनियन से जुड़े पत्रकार गांधी भवन टाउन हॉल पर एकत्रित हुए एवं गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। तत्पश्चात समस्त पत्रकार अपने हाथों में तख्तीलिए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नारेबाजी करते हुए ज्ञापन एडीएम को सौंपा। कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठकर अपनी मांगों पर चर्चा की। धरना प्रदर्शन में प्रदेश महासचिव रमेश शंकर पांडे ने मांगों पर जोर देते हुए सरकार से मांग की कि यदि हमारी मांगे अविलंब पूरी नहीं हुई तो सभी पत्रकार धरना प्रदर्शन व आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। धरना प्रदर्शन को जिला अध्यक्ष विशाल शुक्ला ने संबोधित कर सभी का आभार व्यक्त किया। धरना प्रदर्शन करने वालों में गौरव शुक्ला जिला महामंत्री, आदर्श मिश्रा जिला मंत्री, गोविंद अवस्थी, सुमित त्रिपाठी, प्रिंस सक्सेना, कलीम, रवि पंडित, वारिस अली वारसी, नीरज शर्मा, गौरव सिंह, आशीष कुमार, धीरज शुक्ला, थानेश्वर सिंह, वाहिद अली सरदार, रविंद्र सिंह, गौरव मिश्रा, अरुण अवस्थी, ज्ञान सक्सेना, सिमरनजीत सिंह, विनायक मिश्रा, द्रिवेश कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में जनपद के सभी पत्रकार उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री के लिए जिलाधिकारी के महोदय के माध्यम से कोरोना में लगभग पूरे देश में 130 के लोग ऐसे पत्रकार हमारे प्रभावित हुए हैं जिन्होंने कोरोना की अस्पतालों में जाके भयंकर कवरेज की और अच्छी रिपोर्टिंग की है। वो मर गए लेकिन उनको कोई भी मुआवजा नहीं दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने एक टुकड़ा डाला है 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए, जबकि स्वास्थ्य कर्मियों को, पुलिस कर्मियों को 50 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि 50 लाख का मुआवजा पत्रकारों को भी दिया जाए। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पत्रकारों में एक खाई पैदा कर दी। जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको 5 लाख का बीमा दे रहे हैं और जो गैर मान्यता प्राप्त हैं उनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं, जबकि उनकी संख्या जा रहा है। हमारी मांग है मान्यता प्राप्त, गैर मान्यता प्राप्त दोनों को बराबर के हकदार हैं, दोनों को ही उस बीमा से आच्छादित किया जाए। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो क्या कुछ करेंगे? हाँ, फिर आंदोलन करेंगे क्योंकि ये हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। भारत के हर प्रांत में आज की तारीख में पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है। अभी पांडे जी, जिस तरह शाहजहांपुर में भी मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा पत्रकारों पर और मुकदमे दर्ज हुए अलग अलग स्थानों में, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? हमारा उसको लेकर ये कहना है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए गाइडलाइन बनाई है शासन ने कि बिना शासन की अनुमति लिए कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। उसके बावजूद भी प्रशासन मनमानी कर रहा है, इसका हम विरोध करते हैं।